गाइस आप लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन के मदद से कुछ इस तरीके का एडिटिंग का बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, जिसमें गाइस आप लोगों को बहुत ही लॉन्ग टाइम में बताया जाता है कि इस तरीके का एडिटिंग कैसे करें। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट में सिखाऊंगा इस तरीके का एडिटिंग। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाला है एंड बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक करो, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, ऐसा फोटो एडिटिंग करने के लिए मैं 2 एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, क्योंकि गाइस बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा, इससे आप लोग बहुत ही इजीली स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से फोटो को एडिटिंग कर पाओगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले इस फोटो को शेयर कर लीजिए फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैं फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग लेगा एंड मोबाइल डाटा को ऑन रखना है एंड आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा। गाइस ये चीज़ हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ही कर सकते थे, लेकिन गाइस वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से आप लोग बैकग्राउंड को इरेज नहीं कर पाते हो एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है एंड गाइस इतने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड कार्ड भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक एक हेयर कार्ड हुआ है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड करने के बाद गाइस अब लोगों को चेंज बैकग्राउंड पर टैप करना है एंड यहाँ पर टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को माय फोटोज़ पर जाना है एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा असम लग रहा है। अब गाइस इस फोटो को शेयर कर लीजिए स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एंड स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर जब फोटो ओपन हो जाएगा, टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को जाना है टोन इमेज पर एंड गाइस आप लोग अपने फ़ोटो के मुताबिक से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं मेरे फ़ोटो के मुताबिक से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा हूँ एंड आप लोग अपने फ़ोटो के मुताबिक से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। करने के बाद गाइस अब आप लोगों को सिलेक्टिव वाले टूल्स को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड के अंदर जहाँ पर ब्लू कलर है यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सेचुरेशन को हाई कर देना है एंड बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ जाएगा एंड बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, डिटेल्स पर जाना है, डिटेल्स को थोड़ा सा हाई कर देना है एंड शार्पनेस को थोड़ा सा हाई कर देना है एंड गाइस डन पर टैप कर दीजिए एंड आपका जो एडिटिंग है कितने इजी तरीके से हो चुका है, ठीक है। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, अगर आपका फेस ब्लैक है एंड कैसे आप लोग व्हाइट एंड गोरा कर सकते हो इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर आप लोग देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।